नमस्कार। आज हम बना रहे हैं नमक वाली मूंगफली, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बर्तन, उसमें मैंने डाला है एक गिलास पानी, आप दो प्याले के हिसाब से भी डाल सकते हो। इसको मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। ये पानी बॉईल हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ मूंगफली जो मैंने छील के रखी है। आप ये मार्केट में अच्छे से मिल जाती है, आप चाहो तो घर में भी छील सकते हो। ये मैंने घर में छिली है, इसको मैं 5 मिनट के लिए बंद करके रख देती हूँ। ये देखिए, इनको 5 मिनट हो चुका है। आप इसको चम्मच की सहायता से एक बार देख सकते हो। देखिए ये मूंगफली नरम हो चुकी है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसका पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। मैं अब इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए प्लेट लगा के रख देती हूँ। मेरी मूंगफली को 10 मिनट हो चुका है। अब मैं एक पैन लेऊंगी। देखिए ये मैंने नमक रखा है, ये 1 चम्मच नमक है। जो सब्जी वाला बड़ा चम्मच होता है वो है, इसको मैं पहले यूज कर चुकी हूँ तो ये देखने में काला लग रहा है। ये नमक गर्म हो चुका है, अब मैं गैस को मीडियम फ्लो कर देती हूँ और ये जो मूंगफली है ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसको हिलाती हूँ जिससे ये पूरा नमक इनके ऊपर चिपक जाएगा। अब मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट मैं इसको हिलाते हुए अच्छे से सेक लेती हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इसको नमकीन मूंगफली या सिंग दाना भी बोलते हैं। ये थोड़ा बन जाएगी मूंगफली तो इसका नमक अपने आप ही हट जाएगा। देखिए मैंने मीडियम आंच कर रखी हुई है, ये हुई कि नहीं हुई ये देखने का सीधा सा तरीका है। आप इसको उठाओ और प्रेस करो, इसका छिलका अपने आप उतर रहा है, मतलब ये बन चुकी है। इसमें लगने वाला समय पूरा 7 से 8 मिनट का टाइम है। देखिए ये अच्छे से बन चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और ये नमक से मूंगफली को अलग कर लेती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये कितनी क्रंची और कितनी अच्छी बनी है। आप एक बार बनाइए, देखिए। बस ध्यान ये रखना है कि आपको गैस को ज्यादा फुल नहीं करनी है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। थैंक यू।